बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट को। मैं आपके लिए ऐसे ही जरूरी वीडियोस को लाते रहूंगा। सर दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपन किस तरह अपने फोन नंबर को आधार कार्ड नंबर से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने अपना जो फोन नंबर है उसको अगर लिंक नहीं किया होगा, तो इस प्रोसेस से आप इसे आसानी से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफी आसान तरीका है। दोस्तों, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मिलकर बनाया है अदर टेलीकॉम ऑपरेटर के कोऑपरेशन से। दोस्तों, तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप अपने साधा फोन जो होगा एकदम बटन वाला, उसमें भी ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले प्रोसीजर देखते हैं कितनी प्रोसीजर। ये काफ़ी आसान है दोस्तों। इसके लिए ये IVR सिस्टम पे काम करते हैं, यानी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। जिस तरह आप LPG कनेक्शन लगाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि अगर आपको नंबर लगाने तो ये बटन दबा दबाइए। आप कंज्यूमर केयर में फ़ोन करते हैं तब ये इस तरह के बटन दबाने को बोलते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिस्टम किसमें भी इस्तेमाल होती। तो पहले स्टेप में आपको अपने फ़ोन डायलर में इस तरह टाइप करना होगा दोस्तों, 14546। फिर इसके बाद में आपको इंडियन नेशनैलिटी पूछी जाएगी। तो इंडियन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 1 दबाइए, या NRI हैं तो 2 दबाइए। इस तरह की प्रोसेस। फिर बाद में अगली स्टेप ये रहती है कि आप अपने ये जो प्रोसेस करते हैं तो आधार नंबर को भी अपने साथ में रखिए दोस्तों। अपना जो 12 डिजिट का है तो वो डाल दीजिए। अगले स्टेप में आपका 12 डिजिट का आधार नंबर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि OTP आएगा आधार नंबर डालने के। आप अपने OTP का ऑप्शन पूछा जाएगा, यहाँ आपको एक दबाना है। ठीक है, OTP का ऑप्शन आएगा तो एक दबाना है तो OTP आएगा। तो फिर IVR पर ही आपके आधार से जुड़ी फोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ भेज के अनुमति मांगी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम ही भर दें, हम ही यानी कुछ बटन दबाने के लिए वो बोलेंगे। तो अगली स्टेप है दोस्तों, अगली बार में आपके नंबर की आखिरी 4 अंक बताया जाएगा। अगर यह सही है तो आप यहाँ OTP फिल करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना OTP फिल करना होगा दोस्तों। तो अब आप रीवेरिफिकेशन को पूरा करने के लिए एक दबाएं, अब आपकी सिम आधार से लिंक हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके स्टेप दोस्तों। और याद रखें दोस्तों कि उसी नंबर से आप ये कोड को जाने दें, यानी कि ये जो कोड है तो लगाए उस नंबर से जिस नंबर को आप लिंक करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रोसीजर को देखें। तो जियो और आइडिया, वैसे तो दोस्तों सबसे पहले ये दोनों नंबर मेरे लिंक है, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह लिंक करते। तो इसमें जो नंबर पूछा गया है वो डाल दीजिए। तो इसका जो कोड है 14546। तो अब मैं आइडिया करता हूँ, क्योंकि आइडिया से मुझे लिंक करना। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। मना, यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो एक दबाएं। अन्य, प्रिय ग्राहक, आप पहले से ही अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा चुके हैं। आइडिया में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा ऑलरेडी ये जो नंबर था वो लिंक था, इसलिए ये जो मेरा नंबर लिंक था इसलिए आगे की प्रोसीजर नहीं हो पाई। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।